यदि हमें बजट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रीमियम वाला फोन लेना है, हमारे दिमाग में यार तीन ब्रांड आते हैं। एक है आईफोन, यार आज की डेट में आईफोन आपको फ्लिपकार्ट में सेल में काफी सस्ते रेट में देखने को मिल जाता है, लेकिन 50,000 रुपए कोई सस्ता वाला प्राइस नहीं है। दूसरा है सैमसंग और जो तीसरी कंपनी है ये है वन प्लस। अब है यार चौथी कंपनी की बात और ये है नथिंग, कुछ नहीं। ये कैसा नाम है, कोई बात नहीं। नथिंग का नथिंग फोन वन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 12 जुलाई को रात को। इस फोन का हाइप भी यार सर चढ़ के बोल रहा है, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, न्यूज हो, मतलब हर एक जगह छाया हुआ है नथिंग फोन वन। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा वाला रीजन है, एक यार फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी शानदार होने वाली है। और जो इसके फाउंडर है कार्ल चाचा, ये वही वाले चाचा है जिन्होंने वन प्लस को नीचे से ऊपर तक का रास्ता दिखाया है, मतलब धरा से आकाश तक पहुंचाया है। ये उसके फाउंडर भी रह चुके हैं, इस ब्रांड के लिए इनका नाम ही काफी है। और जो लोगों के अंदर इतना उत्साह भरा हुआ है ना, वो इन्हीं की बदौलत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं नथिंग फोन वन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। भाई यार आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, बहुत सारा कमेंट किया करो, और मैं उम्मीद लगा रहा हूं इस बार कम से कम 1000 कमेंट आएंगे और बहुत सारा लाइक कर देंगे तो यार और भी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग की। देखिए आज की डेट में जो प्रीमियम फोन आ रहे हैं ना, बहुत सारे फोनों में बॉक्स के अंदर से चार्जर गायब कर दिया जाता है। पता नहीं यार कौन सी कला खेल रहे हैं, लेकिन अभी ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, यहां पर आपको चार्जर देखने को मिलेगा, मुझे लग रहा है पक्की बात है। और आगे आने वाले टाइम में चार्जर को रखेंगे, गायब करेंगे, ये तो यार ऊपर वाला जाने। डेटा केबल भी होगी, कोई भी यार हेडफोन नहीं होगा। वैसे हेडफोन वीवो के फोन में आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। आपको याद है आईफोन का 12, वैसा ही यहाँ पर आपको बॉक्सी वाला डिजाइन मिलने वाला है। आईफोन के 12 में जो पीछे की तरफ कैमरे का मॉड्यूल है, सेम वैसा ही मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है नथिंग फोन वन में। लेकिन सबसे बड़ा वाला जो अंतर है ना, वो है पीछे की तरफ वाला डिजाइन। यार ट्रांसपेरेंट डिजाइन इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत ज्यादा प्रीमियम भी दिखता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आईफोन का डिजाइन पसंद भी है, और मैं ये भी कहूंगा ये जो फोन है ना, ये हैंडी भी होने वाला है। प्राइस के साथ साथ वेट पे और डिजाइन में नथिंग फोन वन आपको काफी प्रीमियम वाला फील कराएगा। जो साइड होगा वो भी मेटल वाला होगा, वो भी 100% रिसाइकल। पीछे की तरफ ग्लास की बिल्ड क्वालिटी तो होने ही वाली है। एक चीज देख के और भी अलग सा महसूस हो रहा है, वो है यार पीछे की तरफ लाइट भी आपको जलती हुई मिलने वाली है। जो कैमरे का मॉड्यूल है, यहाँ पर भी एक लाइट लगी हुई है, साइड में भी एक लाइट लगी हुई है। और जो कार्ल चाचा है, उन्होंने ये भी कहा है इसका हम इकोसिस्टम बनाएंगे, आईफोन को टक्कर देंगे। अब आईफोन को टक्कर कब देंगे ये तो यार आगे आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है नथिंग की जो हाइप है ना, ये और भी तगड़ी होने वाली है। बहुत ज्यादा उम्मीद है आगे की तरफ हाई रिफ्रेश रेट का ओलेड पैनल मिलने वाला है। जब ओलेड मिलेगा तो भाई जो डिस्प्ले भी होगी ये भी काफी सुंदर होगी, काफी अच्छे वाले कलर देखने को मिलेंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ ये फोन लॉन्च होगा। साइड में एक तरफ यार वॉल्यूम अप डाउन की बटन, एक तरफ यार वो जो पावर बटन है, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, फ्रेम में यार जो एंटीना बैंड है वो भी लगाए गए हैं। हाँ यार दो प्रॉब्लम आपको खल सकती है, कोई भी हेडफोन वाला गड्ढा नहीं दिया जा रहा। मैक्सिमम चांस ये है यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का भी फीचर नहीं होगा। सॉफ्टवेयर के मामले में भी ये फोन आपको निराश नहीं करने वाला है। बहुत सालों तक इंडिया में वन प्लस ने राज किया है सॉफ्टवेयर को लेकर, और आज की डेट में भी मैं कह सकता हूँ हाँ थोड़े मोड़े बक्स आते रहते हैं, लेकिन जो वन प्लस का यूआई है ये बेहतर कहूंगा मैं। और इस बार जो नथिंग फोन है ना, यहाँ पर भी आपको जो ओएस मिलेगा वो है नथिंग वाला, और ये भी काफी कस्टमाइज होगा। जितना वो कह रहे हैं उतना करेंगे तो काफी अच्छा होगा, और हमारे दिमाग में जो ब्रांड की पोजीशनिंग होगी ये भी काफी कमाल की हो सकती है। और सॉफ्टवेयर कैसा होगा ये तो यार जब फोन हाथ में आएगा तभी पता चलेगा। वैसे सॉफ्टवेयर में आप किसे पसंद करते हैं, वन प्लस को, सैमसंग को, या जो स्टॉक एंड्रॉयड आ रहा है ना आज की डेट में मोटो में, वो आपको पसंद है? जो आपको पसंद हो वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा।
अब बात करते हैं ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की। यहां पर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर नहीं मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। बहुत सारे लोग स्नैपड्रैगन में ट्रस्ट भी करते हैं और जो 7 सीरीज का प्रोसेसर होता है ना, ये काफी ऑप्टिमाइज है। जैसे स्नैपड्रैगन का 778G, 778G प्लस भी यार इंडिया में लॉन्च हो चुका है, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में आपको काफी बिंदास, काफी पावर हाउस वाला प्रोसेसर मिलेगा। हाँ, 8 जनरेशन का प्रोसेसर नहीं होने वाला है, क्योंकि इस फोन का जो प्राइस है ना, वो मिडिल में होगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कैमरे की। देखिए, देख के ये अच्छा लगा, जो पीछे की तरफ 4 कैमरे 3 कैमरे लगा दिए जाते हैं और जिनमें से 2 कैमरे का यूज आप पक्का करते हैं, वो है मेन सेंसर, दूसरा है अल्ट्रा वाइड वाला। यही 2 सेंसर आपको मिल रहे हैं। न्यूज लीक्स ये कह रहे हैं पीछे की तरफ 1 सेंसर होगा 50 मेगापिक्सल का और जो दूसरा हो सकता है यह है अल्ट्रा वाइड वाला। अब देखते हैं 50 मेगापिक्सल का होगा या 64 मेगापिक्सल का होगा। पक्की बात है 108 मेगापिक्सल का तो नहीं होगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प आपको पक्का मिलने वाला है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे 5G फोन ऐसे भी लॉन्च हो चुके हैं जहां पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प हटा दिया जाता है। जब हम कैमरे को यूज करेंगे तब समझ में आएगा सॉफ्टवेयर कितना ऑप्टिमाइज है और जो फोटो है क्या ये निखर के आ रही है। बैटरी के डिपार्टमेंट में हो सकता है आपको बहुत बड़ी वाली बैटरी इस फोन में ना मिले, और जितना लीक्स है ना, इसके आधार पे 4500 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है। वन प्लस के बहुत सारे फोनों में यही 4500 mAh की बैटरी चिपकाई जाती है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग भी होगी। मिड सेगमेंट में वायरलेस चार्जिंग काफी अच्छा वाला मूव है, और लीक्स ये भी कह रहे हैं जो चार्जर होने वाला है ये है 45 वॉट का। चलिए कोई बात नहीं, हमारा फोन यार बस अच्छे से टिक जाए यूज करने में। अभी तक हमने जितनी बातें करी हैं उसके आधार पे नथिंग फोन 1 एक किलर फोन हो सकता है यदि सही प्राइस में आता है। देखिए इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये आईफोन जैसी लगेगी, और आपको याद है वन प्लस वालों ने बहुत सालों तक आईफोन की डिजाइन की कॉपी की थी, और उम्मीद ये भी जताई जा रही है इस फोन का जो प्राइस होने वाला है वो है 35,000 रुपए के आसपास। 35,000 रुपए में ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है। एक तो यार सैमसंग को काफी अच्छी वाली टक्कर मिलेगी, जो वन प्लस है इसे भी हिला के रख सकता है आईकू और मोटो शाओमी। मतलब यार ये फोन सही प्राइस में इंडिया में लॉन्च हुआ तो एक प्रीमियम सेगमेंट में अच्छा वाला फोन आपको मिल सकता है। वैसे आप बताइए आपको क्या लगता है नथिंग फोन 1 में जो चीजें मिलने वाली हैं लीक्स के आधार पे क्या वो सही है? और ये फोन मेड इन इंडिया है, तमिलनाडु में फैक्ट्री खोली गई है। यार हर एक ब्रांड मेड इन इंडिया का ही टैग लगा रहा है। अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जाते जाते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए, और मेरे हर एक वीडियो को वॉच पक्का किया करिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।